हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मांग और पूर्ति का अंतर किसी भी सामान की कीमत तय करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस अर्थशास्त्र का इस केस से क्या वास्ता। असल में इस केस का वास्ता ऐसी बहुत सी बातों से था जो आपको देखने और सुनने में अजीब लग सकती है। ये केस हरियाणा बॉर्डर पर बसे राजस्थान के एक नारनौल कस्बे का था, जब मेरी पोस्टिंग वहां प्रताप बाग पुलिस स्टेशन में हुई थी। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है, ये देख साबुन लाया हूं ना मैं। चल उतार कपड़े, अभी चमका देता हूँ। हट, झल्ला कहीं का। नीतू, नीतू मजाक कर रहा था यार मैं। तो अब मैं तुझसे मंडप में ही मिलूंगी, हिम्मत है तो लेकर आ बारात। नीतू लेकिन रुक तो। शंभू, आज तुझे एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि खुशी के मारे तू भी सूर्य नमस्कार करने लगेगा। अरे ऐसा क्या धमाका कर दिया? एक मिनट होल्ड कर, कोई गेट पर है। देखो सुनीता, इस बार आउट ऑफ इंडिया का प्लान रहने देते हैं। ऐसा करते हैं कहीं मनाली या कश्मीर चलते हैं। पर तुमने तो कनाडा बोला था ना। देखो लेकिन कनाडा घूमने के लिए कम से कम एक महीने का वक्त चाहिए और मुझे ऑफिस से केवल 7 दिन मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आगे मार्केट में रोकना, मुझे सब्जी खरीदनी। थैंक यू, अभी रोकता हूं। राम भैया स्माइल तो कीजिए, स्माइल कर दे थोड़ी। हाँ ये हुई ना बात। पापा की फोटो दिखाना। देखो कैसी बहुत है? अच्छी है। ये देखिए माँ जी। हाँ। कैसी फोटो? बहुत अच्छी है। ये फोटो देख के तो लड़की एकदम पसंद कर लेगी। बिल्कुल। हमारी होने वाली मम्मी की भी तो फोटो बताओ। अरे शादी से पहले बच्चे लोग मम्मी को नहीं देखते। आज तो क्या हुआ, तो आगरा वाले दिन देख लूंगी। आज बैगन खाओगे टमाटर? कौन है तू? बता दूं कौन? क्या बदतमीजी कर रहा है? मुक्ति। कौन है तू? मुक्ति छोड़ो, घर चलो। क्या कर रहा है? सब्जी खरीद रहा है। घर चलो। क्या बोल रहा था तुमसे? घर चलो। साहब मेरे बड़े भाई भानु को किस? सर मैं कल रात को फोन पर भैया से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे होल्ड करने के लिए कहा, कोई घर पे आया था शायद। एक मिनट होल्ड कर, कोई गेट पर है। साहब फिर भैया फोन पर वापस नहीं आए। तुम कहना चाहते हो कि रात को जो भानु से मिलने आया था उसी ने भानु को मार डाला, और कौन हो सकता है वो? मालूम नहीं सर। अच्छा रात को जब फोन पर भानु के साथ तुम्हारी बातें हो रही थी, एग्जैक्टली क्या बातें हुई? सर वो कोई खुशखबरी देना चाहते। कैसी खुशखबरी? उससे पहले मुझे कुछ बता पाते। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं साहब। किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर? नहीं साहब। भैया के सिर्फ दो ही शौक थे, दूध घी खाना और टग्गर। भानु के मर्डर के 15 दिन बाद तक भी हमें उसके कातिल की कोई लीड नहीं मिली थी। तब हमारे लिए दो सवाल अहम थे और अब हमें एक साथ कई बुरी खबरें मिलने वाली थी।
नहीं तो शादी मैं तुझसे करूंगा। तो मैं तुझसे मंडप में ही मिलूंगी, हिम्मत है तो लेकर आ बारात। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अरे भाई सब तो आ गए, ना बस आई ना प्रमिला जीजी आई, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे धर्म जी कहाँ है सब लोग, हम तो 9 ही लोग हैं और प्रमिला जी ने बोला था 11 लोग की शादी होगी। शादी का सीजन आता है तो पूरा दिल्ली एनसीआर चमचमा उठता है, और आज तो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही रिकॉर्ड तोड़ शादियां हैं। जी हाँ, आज दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर 520 शादियां हैं, और हमारा अगला गाना इसी थीम पे। अरे भाई हम तो बारात लेके भी ना गए और दुल्हन सीधा यहाँ आ गई, घूंघट उठा के देख। धर्म रुक, ये मेरी लुगाई है। अरे तुम लोग मारी बाहू से। अरे क्या हुआ, ये लुगाई मारी है, ये लुगाई मेरी है। अरे तू तो बाइक पे आया, तेरी लुगाई कहाँ से हो गई है? अरे बाइक तो दहेज मिली है, और इसको बाइक के बैठने में डर लगता है, इसलिए मैंने बाबू के साथ इसको बस में बैठा दिया। प्रमिला ने किया ना तेरा ब्याह? अरे कौन प्रमिला, हमारा ब्याह तो बाबू ने करवाया है। अरे तो फिर प्रमिला कहाँ रह गई? सर प्रमिला बहन मेरे साथ और 11 दुल्हों की शादी कराने वाली थी आज। 11 दुल्हों की शादी? हाँ हाँ सर, 11 दुल्हों की शादी। प्रमिला जीजी ने हमें बोला था कि वो हमें बस से नोएडा लेके जाने वाली, जहाँ रात को हमारी शादी है। सर हम लोग बस का इंतजार सुबह से कर रहे हैं, वो शाम होने आ गई, लेकिन बस का अभी तक अता पता नहीं है। सर ये प्रमिला है कौन? प्रमिला सोशल वर्कर है साहब, वो टेहरी गाँव में रहती है। तुमने बोला था कि 11 लोगों की शादी होने वाली थी, ये तो 4 है, बाकी कहाँ? बाकी सब लोग प्रमिला जी के यहाँ गए सर, क्योंकि वो बस लेके अभी तक नहीं आई। हमें ये 2 दूल्हों की लाश मिली। हाँ हाँ सर, ये लोग तो हमारे साथ ही जाने वाले थे, पर ये लोग बस स्टॉप तक तो पहुंचे ही नहीं सर। हमें इन दोनों दूल्हों का एड्रेस बताओ, और ये प्रमिला कहाँ रहती है? दादी पापा मम्मा को लेकर घर कब आएंगे? अरे बेटा अभी तो शादी करने गए हैं, कल सुबह तक ले आएंगे तेरी नई मम्मी को। हाँ ठीक है। सुनिए रामलाल का घर यही है? हाँ यही है, क्या बात है? हमें हाईवे पर रामलाल की लाश मिली है। देखा मैंने कहा था ना, प्रमिला हम सबको लूट के भाग गई, अब हमारी शादी कैसे होगी? अरे कोई बताएगा, मारो छोरो आ जाए, कहाँ गए? तू क्या आजा आजा लगा रखा है बे? और नोएडा में हमारे दुल्हन ने हमें राह देख रही होगी, यहाँ प्रमिला नहीं मिल रही, तुझे आजा के बड़े। अरे पड़ेगी क्यों ना, मारा छू रहा आ जाए यार, कहाँ गए हो कोई बता दो। हाँ साहब ये तो मारा छू रहा है साहब, पर ये क्यों हो गया साहब? इसकी लाश मिली हमें हाईवे पे। इसके साथ हमें एक रामलाल नाम के आदमी की भी लाश मिली। सब रामलाल तो हमारे साथ नोएडा आने वाला था, ये क्या हो रहा है साहब? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। देखो सब कुछ हमें बताओ, ये सामूहिक विवाह का चक्कर क्या है? ये प्रमिला एक एनजीओ चलाती थी, उसने कहा था अनाथ आश्रम की अनाथ लड़कियों से हम सबकी शादी करवाएगी, हमसे पैसे लिए, महाराज से 40,000 रुपए लिए साहब। क्या 40,000? साहब मुझसे 60,000 रुपए लिए थे उसने। साहब मेरे तो अपना पूरा खेत बेच के उसे 75,000 रुपए दिए थे। शांति रखिए, हमें बताइए कि प्रमिला यहाँ अकेले रहती थी? नहीं साहब, प्रमिला यहाँ अपने बेटे और चचेरे भाई गुल्लू के साथ रहती थी। प्रमिला का बेटा भी था और तो पति भी होगा साहब, वो विधवा थी साहब, उसने और गुल्लू ने हमसे शादी के फॉर्म भरवाए और 100-100 रुपए भी लिए थे फॉर्म के। मेरे भैया कनाडा में रहते हैं, जिस दिन उनके आने की तारीख तय हो जाएगी
उसी दिन शादी की तारीख भी तय हो जाएगी, क्योंकि वही इस शादी के लिए फंड दे रहे हैं और 11 लड़कियों का कन्यादान भी वही करेंगे। ठीक है, पर हमारी शादी किस लड़की से होगी वो तो बताओ। हाँ हाँ, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो इससे शादी करूंगा। अरे भाई ये तो मेरी लुगाई है। अरे नाम ने क्या रखा, ये तो मारी लुगाई बनेगी। पहले मैंने देखा इसको। ये शादी एक सामूहिक शादी ही नहीं, स्वयंवर भी है। लड़की अपना वर खुद चुनेगी, वो एक एक के पास जाएगी और अपना वर चुनेगी और उसी के साथ उसकी शादी होगी। अरे साहब ये सब छोड़िए, पहले परमिला को ढूंढिए, उसने हम सबकी शादी का सपना तोड़ दिया। बस बस बस, आप लोगों ने अभी बताया कि प्रमिला अपने बेटे और भाई के साथ यहाँ रहती थी, फिर उसका एक कनाडा वाला भाई कौन है? साहब उसने इतना ही बोला था, उसका कनाडा वाला भाई उस एनजीओ को चलाता है, शायद उसका मुंह बोला भाई था, हमने कभी देखा नहीं साहब। अच्छा, अब प्रमिला नोएडा में आपको कहाँ और किस एनजीओ में लेकर जाने वाली थी? ये सब हमको नहीं मालूम साहब। हाँ साहब नहीं मालूम, नहीं मालूम साहब, बिल्कुल नहीं मालूम सर। ये मामला तो कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है। सुनीता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। अगर मुझे पता होता कि तुम पहले से शादीशुदा हो, मैं शादी नहीं करता तुमसे। तुम भूल रहे हो मुक्ति, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा एक दुख भरा अतीत है। तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे अतीत से कोई लेने देना नहीं है। इसलिए क्योंकि भरोसा था तुम पर, बात पूरी होने तो जा कर रही हो। लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आया? मुझे क्या मालूम, बस बाजार में टकराया और परेशान करने लगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो मैं भी तुम्हारा अतीत ही बन जाती हूँ। जीना ही नहीं है मुझे। मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो प्लीज ये सब दोबारा मत करना। I'm sorry. ये प्रमिला यहाँ कब से रह रही थी? साहब वो पिछले 6 महीने से यहाँ पे किराए पे रह रही थी, बहुत ही नेक औरत थी। नेक औरत? लेकिन जिन दूल्हों की वो शादी करवाने वाली थी वो तो उसके बारे में कुछ और ही बोल रहे हैं। उनका तो नहीं मालूम साहब, पर प्रमिला सच में एक समाज सेविका थी। नाम क्या है तुम्हारा? हेमराज। हेमराज, ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरा बेटा है। और आप कौन हो? हम यहाँ नए आए हैं, यही पास में रहने आए हैं। आपका बेटा ऐसे मिट्टी में खेल रहा था, बीमार हो जाएगा, और आपने कोई कपड़े भी नहीं पहनाए इसे। खाने के पैसे नहीं है और आप कमीज पहनाने की बात कर रहे हो। गुलू मेरा बैग देना। ये लो, ये पहना दो इसे। साहब प्रमिला में ना हमें कभी कोई खोट नजर आई, ना ही उसका भाई गुल्लू में। सुना है प्रमिला का एक मुंह बोला भाई भी है जो कनाडा में रहता है, उसके बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? प्रमिला दीदी से उनके कनाडा वाले भाई के बारे में सुना तो था, पर वो कभी यहाँ पर आया नहीं। मम्मी चाहिए मुझे। क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? मैं तेरी माँ हूँ। जो मम्मी का बात सुना मम्मी। सर मैंने गुल्लू और प्रमिला दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सर इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों सबके साथ धोखाधड़ी करके रामलाल और अजय को मार के कहीं पे फरार हो गए। इनके कॉल रिकॉर्ड्स में किसी कनाडा वाले भैया या एनजीओ का नंबर मिला? नहीं सर, ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पूछताछ में सब लोग प्रमिला के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, यहाँ तक कि रामलाल और अजय की फैमिली भी। जरूर इन्होंने अच्छा दिखने का नाटक किया होगा ताकि ये दूल्हों को ठग सके। अब सवाल यह है कि अगर इनका मोटिव धोखा देना ही था तो फिर अजय और रामलाल के मर्डर का इन लोगों के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अजय और रामलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों को देसी राइफल से शूट किया गया है, लेकिन अजय की बॉडी पे कुछ गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। और एक बात और सर, अजय की कुछ दिन पहले नसबंदी भी की गई थी। नसबंदी? मतलब अजय नसबंदी करवाने के बाद दूल्हा बना? अजय की तो शादी नहीं हुई थी तो फिर उसने नसबंदी क्यों करवाई, और उसके शरीर पर पुरानी चोटों के निशान, ये माजरा क्या है? हमें अजय की फैमिली से मिलना पड़ेगा। तब तक तुम पता करो कि नोएडा में कौन कौन से एनजीओ और अनाथ आश्रम है, हो सकता है वहां से हमें गुल्लू प्रमिला और उसके कनाडा वाले भाई की कोई लीड मिल जाए। अब मुझे क्यों छोड़ के गए पापा? कब से कह रही हूँ नहीं बहू लिया, ना तुझे रोटियां सेकते हुए देख पाती हूँ, ना तेरा हाथ की रोटियां गले से उतरती है। बदमाश, दादी की नकल उतारती है,
पापा मैं आपकी आरती उतारूंगी जब आप मेरे लिए मम्मी और दादी के लिए बहुला हो गए। मेरी बच्ची। दादी दादी आपको क्या हुआ? दादी आपको पानी चाहिए? ये लो पानी। दादी उठो ना, दादी पानी पीना ना आपको। आंखें खोलो ना दादी। अजय के शरीर पे वो चोटों के निशान कैसे आए थे और उसने नसबंदी क्यों करवाई थी? अरे जान दो साहब, अगर हमने उन लोगों के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो हमारे छोरे की तरह वो हमें भी मार देंगे। कौन लोग? देखिए अगर आपने हमसे कुछ भी छुपाया ना तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे छोरे से मुखिया की छोरी नीति बहुत प्यार करती थी। हम दूसरी जात के हैं तो मारे छोरे से नीति भाग गई। इसी बात को लेके मुखिया ने हमारा जीना आराम कर रखो है। हुकुम हुकुम, माफ कर दे मैंने। जब तक तेरा छोरा मारे को नहीं मिल जाता तब तक तेरी यूं ही कुटाई होती रहेगी और तना मार मार के खाल उधेड़ देना। फिर उन्होंने मालूम कर लिया कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं और वो उनको पकड़ के गांव ले। मेरी छोरी ने अपवित्र कर दी है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तो आपको लगता है कि अजय को मुखिया ने मरवाया? क्या हुआ सुनीता, कौन है? अब इतने भी गैर नहीं है। अच्छा उस दिन जो हो ना उसके लिए सॉरी, अब अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? क्या कहाँ रहे? ये क्या बदतमीजी है? कोई तरीका है किसी के घर में आने का? आउट। मैं मनी, सुनीता का पहला पति। सुनीता मुझे सब बता चुकी है, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। कट आउट। इतनी भी जल्दी क्या है मुफ्ती बाबू, एक नजर इधर भी तो देख लो। तो अब करें मुद्दे की बात। मैंने मेरी छोरी को अजय के चंगुल से छुड़वाया था। मानता हूं कि मैंने दो चार डंडे भी मारे पर अब अजय के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने अजय को सिर्फ पीटा ही नहीं था बल्कि उसकी नसबंदी भी करवाई थी। मेरे पास क्या इतना फालतू समय है? क्या फालतू पैसा है जो मैं उसकी नसबंदी कराऊंगा? और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कहीं दूसरी जगह ब्याह भी करने वाला था, तो भला मैं क्यों मारूंगा उसको? बताइए। मैं आपकी बेटी से मिला। वो घर पे नहीं है। तो कहाँ है? अरे साहब मैंने बोला ना, अजय की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका फैसला हम करेंगे। क्या फैसला करेंगे आप? कोई सबूत है आपके पास कि अजय की हत्या हमने की है? गांव का मुखिया हूं मैं, आप इस हिसाब से मुझे परेशान नहीं कर सकते। जाइए पहले सबूत लेके आइए, फिर हमसे बात कीजिए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई सबूत मिला ना तो छोड़ेंगे नहीं मुखिया जी। बता रही है। सर इस मुखिया के तेवर ठीक नहीं लग रहे। ये अजय का परिवार को सबक सिखाना चाहता था। हो सकता है कि इसे पता चल गया हो कि अजय कहीं और शादी करने वाला था और फिर इसने अजय से अपना गुस्सा निकाला। मर्डर तो रामलाल का भी हुआ है, रामलाल के मर्डर के पीछे मुखिया का क्या मोटिव हो सकता है?
इस केस को समझने के लिए हमें प्रमिला और प्रमिला के भाई गुल्लू के गायब होने की कहानी भी समझनी पड़ेगी, और प्रमिला के मुंह बोले भाई जो कनाडा में रहता है उसका चक्कर। प्रमिला के घर के सजवारन का क्या स्टेटस है? सर दो दिन से कोर्ट बंद था, आज मिल जाएगा। गुड। डालिंग ऐसे सूखे सूखे चाय पिलाओगे क्या? जाओ भाई अपना वो फेवरेट वाला वो मसाले वाला काजू लेकर आओ। आखिर तुम चाहते क्या, पहले ये बताओ। क्या है मुक्ति बाबू की, ये जो मेरा सब्र है ना एक बांध है, और इस मोबाइल में जो वीडियो है ना वो नदी का पानी। तुम मुझे पैसे देकर इस बांध को मजबूत करते रहो बस, वरना जिस दिन मेरे सब्र का बांध टूटा तो इस वीडियो को मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। सर ये तो उन्हीं मर्दों की लिस्ट है जिनकी शादी होने वाली थी, और शायद ये वही लड़कियां हैं जिनसे इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन उस अनाथ आश्रम का पता नहीं चला है जिसे प्रमिला का कनाडा वाला भाई फंड करता था। फिर भी इन लड़कियों के फोटोग्राफ नोएडा और दिल्ली एनसीआर की सभी एनजीओ और अनाथ आश्रम में भेजो, शायद वहां से कुछ पता चल जाए सर। लेकिन इस लिस्ट में नेक दूल्हे का नाम काट के उसके आगे धर्म का नाम लिखने का क्या चक्कर हो सकता है? सर मैंने प्रमिला के घर मिली सभी लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिल्ली और नोएडा पुलिस हेडक्वार्टर को भिजवा दिए हैं, और सर मैंने चेक किया कि प्रमिला के भाई गुल्लू और प्रमिला का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सर हमने आसपास के गांव में भी पता किया तो सामने आया है कि उस गांव में 20 दूल्हे और भी हैं जो शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रमिला ने सिर्फ 11 लोगों को ही एंट्री दी। यानी प्रमिला जेन्युइनली 11 लोगों की शादी करवाना चाहती थी, या फिर जेन्युइन होने का दिखावा कर रही थी? सर दूल्हों की लिस्ट में जिसका नाम काट के धर्म लिखा गया था मैंने उसके बारे में पता किया, वो उसी गांव का रहने वाला है जहां का भानु था। भानु? हाँ सर, वही भानु जिसकी 15 दिन पहले हमें लाश मिली थी। और सर सुनने में आया धर्म और भानु का कुछ दिन पहले काफी झगड़ा भी हुआ था। भानु का छोटा भाई हमें बता रहा था कि उस रात भानु उसको कोई खुशखबरी देने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भानु भी शादी करने वाला था और उसका मर्डर हो गया इसलिए धर्म का नंबर लगा? धर्म को उठा लो और इन लड़कियों की भी इन्फॉर्मेशन निकालो। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्रमिला जिन लड़कियों की शादी उन दूल्हों से करवा रही थी उन लड़कियों का इस केस से क्या कनेक्शन है। राइट सर। अब बोल भानु के मर्डर से क्या लेना देना है तेरा? अजय और रामलाल को किसने मारा? सब मेरा क्या लेना देना होगा, रामलाल और अजय की तरह मैं भी दूल्हा बना था। ये भानु का नाम काट के तेरा नाम लिखा गया ना? मारा नंबर आरएसी में था इसलिए इसमें लिखा है। आरएसी जैसे रेल का होता है, भानु मर गया तो मारा नंबर लग गया था बस। विजय कबूलनामे पे इसके साइन ले, और तीनों मर्डर इसने खुद कबूल किए हैं ये लिखना मत भूलना। नहीं नहीं साहब मैंने तीनों को नहीं मारा, मैंने तो बस एक। साहब हमारी बचपन से इच्छा थी शादी करने की, पर मारी उम्र बीत गई, किसी ने घास न डाली। प्रमिला जीजी का पता चला तो आशा की किरण जाग उठी, पर उनका कोटा फुल हो गया था। अब सारे फार्म खत्म हो गए हैं, सिर्फ 11 लड़कियां ही हैं शादी के लिए। पर मैं शादी करने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार था, इसीलिए मैंने प्रमिला जीजी के भाई को पटाने की सोची। साहब प्रमिला जीजी पहले ही भानु और रामलाल का नंबर लगा चुकी थी, मैंने सोचा रामलाल को मार दूं। लेकिन उसका घर बस्ती के बीच में था और भानु का वीराने में, इसलिए उस रात। लेकिन साहब अजय और रामलाल के खून में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर धर्म के बयान से तो लग रहा है कि यह कांड कोई वेटिंग लिस्ट वाला दूल्हा ही कर सकता है, शायद जिन दूल्हों का नंबर नहीं मिला उसी में से किसी ने रामलाल। अगर मोटिव यही था तो कोई अजय और रामलाल का मर्डर शादी वाले दिन ही क्यों करेगा?
सुना है कि जब से मुखिया की बेटी उस अजय के साथ भागी है तब से उसकी बेटी का भी कुछ अता पता नहीं है। तो पता करो और मुखिया पे नजर रखो। सर सर, दौसा पुलिस का फोन था। हमने जो उनको फोटो भेजे थे प्रमिला और गुल्लू के, उन्होंने बताया कि प्रमिला की लाश मिली है उनको। प्रमिला का भी मर्डर हो गया और उसका भाई गुल्लू और उसके साथ उसका बेटा था बिट्टू, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली दौसा पुलिस से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया दौसा पुलिस ने, लेकिन जहाँ प्रमिला की लाश मिली थी वहाँ से थोड़ी दूरी पर उसका पासपोर्ट भी मिला था। प्रमिला सबको बोलती थी कि उसका एक मोहम्मदा भाई है जो नोएडा में एक एनजीओ को फंड करता है, कनाडा में रहता है। प्रमिला के नेटिव प्लेस रिंगस चलना पड़ेगा, तैयारी करो। सर फोटो क्यों खींचा? अरे खींच खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स वाइफ है तो क्या हुआ? हम दोनों का रिश्ता तो बहुत आगे तक पहुंच गया था। वीडियो अभी भी मेरे पास है और तुम्हारे पति ने पैसे नहीं दिए। साहब, प्रमिला मेरी बेटी थी, वो नोएडा नौकरी के लिए गई थी। नोएडा क्या नौकरी करने गई थी? साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे देवर का बेटा गुल्लू, उसी ने नोएडा में प्रमिला को नौकरी लगवाई थी। गुल्लू कहाँ रहता है? वो नोएडा में कहीं रहता है लेकिन एड्रेस नहीं मालूम। प्रमिला का एक मोहम्मदा भाई था जो कनाडा में रहता था। साहब उसका सिर्फ एक ही भाई था, वो भी चचेरा गुल्लू। और प्रमिला का पति वो कहाँ रहता है? कौन पति साहब? प्रमिला अपने बेटे बिट्टू के साथ पिछले 6 महीने से नारनौल में रह रही थी। अब ये तो आप भूलना ही मत कि आप उसके पति को नहीं जानती। प्रमिला की तो शादी भी नहीं हुई है, तो बेटा कैसे हो सकता है प्रमिला का? बेटा 6 महीने उधर क्या रह क्या है, मुझे भूल गया, मैं तेरी असली मम्मी हूँ। वो मम्मी भी अच्छी थी, बबली की तो दूसरी मम्मी आने वाली है, मुझे भी दूसरी मम्मी के साथ रहना है। हमने भानु के मर्डर की गुत्थी तो सुलझा ली थी, लेकिन अजय, रामलाल, प्रमिला का मर्डर केस अभी भी हमारे लिए पहेली बना हुआ था। हमें प्रमिला के भाई गुल्लू की तलाश थी और उसकी तलाश में हमने अपना खबरी नेटवर्क नारनौल, दौसा, रिंगस, नोएडा और दिल्ली में हर जगह फैला रखा था। पर प्रमिला के घर से जिन 11 लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिले उनमें से किसी भी लड़की का किसी अनाथ आश्रम या एनजीओ से जुड़े होने का पता नहीं लग पाया। हम मान रहे थे कि वो फोटोग्राफ्स फर्जी होंगे जो उन दूल्हों को ठगने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, पर तभी हमें दिल्ली से एक चौंका देने वाली खबर मिली। सर ये फोटो एक शैलजा नाम की लड़की की है, दिल्ली की मायापुरी की रहने वाली है और मायापुरी पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज हुई थी। मतलब ये लड़की शैलजा भी गायब है? हाँ सर। सर दिल्ली पुलिस तो इसको विक्टिम मान के ढूंढ रही है और इसकी फैमिली के खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट पुलिस का कहना है कि इसकी फैमिली काफ़ी जेन्युइन है, लेकिन जब मैंने अपने केस की बात की तो वो भी सोच में पड़ गई। प्रमिला की माँ को लग रहा था कि प्रमिला नोएडा में जॉब कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की शैलजा का भी कोई इसी तरह का इतिहास हो? हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, हमें शैलजा से मिलना होगा। इस केस की दिल्ली पुलिस से सारी डिटेल्स ले। सर क्या मुक्ति भाई, मार्केट में एक नया वीडियो आया है, देखोगे? सुनीता, सुनीता मुझे माफ कर देना मुक्ति, मेरी वजह से तुम्हें नीचा देखना पड़ा, उस मनी ने मुझे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर दिल्ली पुलिस से शैलजा मिसिंग केस की फाइल मिली है। सर इसकी मिसिंग कंप्लेंट रामलाल और अजय के मर्डर से 2 दिन बाद फाइल हुई थी और दिल्ली पुलिस से पता चला है कि शैलजा के फोन पर हरियाणा के एक नंबर से लगातार कॉल हो रहे थे और जब हमने इस नंबर की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि यह नंबर इस रवि का है। रवि? हाँ सर, ये रवि उन्हीं 11 दूल्हों में से एक है सर।
और शैलजा उन्हीं 11 लड़कियों में से एक है जिनकी प्रमिला और गुल्लू उन दूल्हों से शादी करवा रहे थे। लेकिन ये रवि शैलजा को फोन क्यों कर रहा था? विजय उठा लो रवि। सर ये रवि 3 दिन से फरार है। सर अपने से एक इन्फॉर्मेशन मिली है गुल्लू की, वो अपने दोस्त के घर पर नोएडा में छिपा है। सर गुल्लू ने यह भी खुलासा किया कि प्रमिला ये काम किसी और के इशारे पर कर रही थी और उसने बच्चे को किराए पर लिया था। हमने बिट्टू की असली मां को भी इन्वेस्टिगेट किया पर कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं उन 11 दुल्हनों में से एक दुल्हन शैलजा और दूल्हा रवि गायब थे और अब इस केस में एक और घुमाव आया। सर रवि की एक टिप मिली है, उसका एक घर जज्जर में भी है, वो वहीं पे छिपा है। साहब मैंने जो भी किया वो मेरी शादी ना होने की वजह से किया साहब। प्रमिला से धोखा खाने के बाद मैंने अपनी शादी के जुगाड़ में मैट्रिमोनियल साइट पे सर्च मारा था साहब। वहाँ पे मुझे शैलजा का फोटो और प्रोफाइल दिखी थी साहब। मैं तुरंत पहचान गया कि शैलजा उन्हीं 11 लड़कियों में से एक थी जिनके साथ हम लोग शादी करने वाले थे। साहब शैलजा का फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पे था तो मैंने उसे वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैट्रिमोनियल साइट पे भी। वहाँ से मुझे उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया तो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोली कि हेलो। हेलो मैं रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? अरे वो नाम से याद नहीं आएगा, मैं वही हूँ जो तेरे से नोएडा में शादी करने वाला था। शादी? बकवास बंद करो और आज के बाद यहाँ पे फोन मत करना, समझे? साहब उसने फोन पे मुझे ऐसा झाड़ा कि मेरा माथा ठनक गया और ऊपर से प्रमिला का गुस्सा था तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब, मैंने शैलजा को उठा लिया। मैं तो उसको पटा के उससे शादी करने वाला था साहब बस। अब तेरे फेरे जेल में होंगे। प्रमिला को भी तूने इसी खुंदक में आके मारा ना? साहब अगर प्रमिला मुझे मिल जाती ना तो पक्का उसे मार देता, लेकिन वो खुद ही गायब हो गई तो मैं कैसे उसे मार सकता हूँ साहब? ये ऐसे नहीं खुलेगा। बस साले साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने प्रमिला को नहीं मारा साहब। हमने जल्द ही प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट का पता लगा लिया। हमें ये भी पता चला कि शैलजा समेत उन 11 लड़कियों के फोटोग्राफ्स अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट से निकाले गए थे जिनसे प्रमिला का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में एक और मौजूद फोटो ने हमारा ध्यान खींचा। तो मैंने प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में मौजूद लगभग सभी लोगों का पता किया और उसमें से मैंने इस औरत को जीरो डाउन किया। तो प्रमिला के अकाउंट में इस औरत का नाम स्वीटी है। लेकिन सर मैंने चेक किया कि ऐसे ही दिखने वाली एक औरत ने करीब 1.5 साल पहले ग्वालियर में अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया था और उसके बाद अचानक से गायब हो गए। लेकिन सर उस औरत का नाम मंदाकिनी था। मंदाकिनी और यहाँ पर स्वीटी। सर एक और औरत थी जो बिल्कुल ऐसी दिखती थी, उसका नाम था सुनीता। करीब 1.5 साल पहले अजमेर में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। सर सुनीता सिर्फ सुनीता ही है और उसको किसी और ने नहीं उसके पहले पति ने गायब किया है। सर पहला पति कौन? मनी। हाँ सर मनी नाम है उसका और वो सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था और सुनीता आपके घर से गहने जेवर लेकर फरार हो गई। उसके पहले पति से मिलना चाहेंगे? विजय सर ये सुनीता का पति कैसे हो सकता है? सर मैंने तो सर को फोटो दिखाया था। वो फोटो देखा था लेकिन सुनीता और स्वीटी उस मंदाकिनी का पहला पति यही है जिसने आपसे 1.5 साल पहले सुनीता को झेला। तो सर वो कौन था जो मुझे और सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था? सर अजमेर पुलिस से सुनीता के साथ साथ इस आदमी को भी ढूंढ रही है। सर अजमेर पुलिस ने बताया कि यह आदमी पेशे से वकील है, राकेश नाम है इसका। सर हो सकता है यह आदमी अभी सुनीता के साथ ही हो और यही प्रमिला का वो बॉस हो जिसके बारे में गुल्लू ने बताया था। रहता कहाँ है?
सर इसके घर में अभी ताला लगा है, लेकिन जहाँ पर यह पहले प्रैक्टिस करता था वहाँ से इसका फोन नंबर मिला है। सर ये नंबर अभी जयपुर में एक्टिव है। गाड़ी निकलवाओ। रूम सर्विस। अच्छा चलो लेना लेके चलो। साहब डेढ़ साल पहले मेरे पहले पति ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। मैं सच में उससे तंग आ गई थी। वो मुझे बहुत मारता था इसलिए मैंने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अब ये बोलो कि तुम दोनों का प्रमिला के साथ क्या कनेक्शन था। साहब वो इस क्राइम में हमारे साथ थी। हाँ साहब कभी कभी ये मेरा नकली पति बनता था तो कभी कभी पतियों को लूटने के लिए मैं प्रमिला का इस्तेमाल करती थी। और फिर मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि राजस्थान और हरियाणा के आसपास काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर औरतों की बहुत कमी है और मर्दों की शादियाँ नहीं हो रही, तो मेरा ये प्लान प्रमिला ने कारगर किया। तो फिर उसको मारा क्यों? नरनौल से भागने के बाद प्रमिला उस बच्चे को उसकी माँ को लौटाने के बाद हमसे दौसा में मिलने आई। दूल्हों को लूटकर पूरे 5 लाख रुपए लाए हो। हाँ तो आइडिया तो मेरा ही था ना। सारी मेहनत तो मैंने की, मैंने जाके उल्लू बनाया, इसलिए 1-1 लाख तुम लोगों को मिलेंगे और पूरे 3 लाख मेरे। ये चीज पहले ही तय हो चुकी थी कि पैसे बराबर तीनों में बटेंगे, समझी? इधर ला। पैसों के बंटवारे को लेकर हम लोगों में झगड़ा हुआ। बहुत कर ली धांधलीबाजी। अब ये बता अजय और रामलाल को क्यों मारा? मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा था तुझसे कि कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ तो छोड़ूंगा नहीं। अब जो जो सच है बता दे, नहीं तो हम अजाशो। उस छोरे ने मारी छोरी को प्यार में फंसा रखा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो छोरा दूसरा ब्याह करने जा रहा है तो मेरा खून खोल उठा। हमारे आसपास हो रही घटनाओं को लेकर हम सभी का नजरिया अलग अलग होता है, पर अपराधी की फितरत ऐसी होती है कि जो खबर समाज को संदेश दे रही होती है वो उसका इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए ही करता है। ये वाकई में सच है कि कन्याओं की लगातार हो रही भ्रूण हत्या की वजह से हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियों का अनुपात लड़कों के मुकाबले काफी कम हो गया है। ये केस फिर से संदेश दे रहा है कि अपराध हमेशा अपराध को ही जन्म देता है। लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देना ये समाज के लिए विनाशकारी है। लड़कों और लड़कियों का भेद मिटाकर दोनों को बराबर का हक देना आज के स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.